नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। समय भी कैसे कैसे खेल रचता है, वरना किसी ने सोचा होगा कि जिस गौतम अडानी के निजी हवाई जहाज में उड़ते उड़ते नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, वही गौतम अडानी एक दिन इतना उड़ने लगेंगे कि मोदी की लानत मलामत करने लगेंगे, उनके खिलाफ भाषण देने लगेंगे, उनकी सरकार को कोसने लगेंगे, उनको आईना दिखाने लगेंगे। लेकिन वक्त जो न कराए सो कम। आपको हैरानी हो रही होगी कि ऐसा नहीं हो सकता। अडानी तो मोदी को इतने प्रिय हैं कि उनके कारोबारी समझौते के लिए फॉरेन टूर प्लान कर लेते हैं। पहुंच ऐसी कि ऑस्ट्रेलिया में धंधे के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5,000 करोड़ का कर्जा देने को तैयार हो जाता है। कहते हैं कि अडानी को मोदी ने अंबानी के जवाब के तौर पर तैयार किया है। 14 मार्च 2021 को अडानी की दौलत 16 अरब डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर तक पहुंच गई। एक साल में 34 अरब डॉलर का इजाफा। 2021 के शुरुआती 70 दिनों में हर सेकंड में 4 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई की अडानी ने। इस लिहाज से उन्होंने अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस और टेस्ला के मालिक एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया। खैर, मैं बात कर रहा था कि अडानी क्यों मोदी को कोस रहे हैं, ऐसा क्या कह दिया और क्यों कह दिया। अडानी का दिल तो सपने में भी नहीं दुखा सकते मोदी जी। तो सुनिए अडानी ने क्या कहा है और कहां कहा है। मौका था अडानी समूह के शेयर होल्डर्स की सालाना बैठक का। इस बैठक में कंपनी के अध्यक्ष गौतम अडानी ने एक ऐसा भाषण दिया जो उनके नरेंद्र भाई को चुभ गया होगा। कोरोना की दूसरी लहर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमको यह स्वीकार करना होगा कि खोई हुई हर जिंदगी बहुत तकलीफ दे है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा देश इससे बहुत बेहतर इंतजाम कर सकता था, खासकर महामारी की दूसरी लहर के दौरान। इसके बाद वह दुनिया के तमाम अखबारों में नरेंद्र मोदी की हुई फजीहत की ओर इशारा करने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब दुनिया के तमाम देशों ने इस महामारी से लड़ने में अपने संसाधन झोंक दिए, कई आलोचक सरकार पर अंगुली उठाते हैं कि उसने अपने नागरिकों को बचाने के लिए जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, खासकर वैक्सीन लगाने में, तो क्या गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों में कोई दरार आ गई है, या फिर मोदी और बीजेपी के उद्योगपति की ब्रांडिंग को वह बदलना चाहते हैं, या फिर अपने अंतरराष्ट्रीय विस्तार के लिए गौतम अडानी अपनी छवि बदलने की जरूरत महसूस कर रहे हैं। क्योंकि शेयर धारकों की बैठक में उन्होंने मोदी सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। ऐसी उम्मीद किसी ने आज तक नहीं की होगी। अडानी ने कहा कि भारत में टीकाकरण की चुनौती दूसरे देशों की तुलना में अधिक है, क्योंकि भारत की आबादी पूरे यूरोप, उत्तर अमेरिका और ओशिनिया की संयुक्त आबादी से ज्यादा है, इसलिए टीकाकरण की हमारी कोशिश 87 देशों की साझी कोशिश से बड़ी होनी चाहिए। अडानी ने कहा कि इसलिए मुझे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि आलोचनाएं फिजूल नहीं है, वो अपनी जगह जायज है। क्या ये आपको खटक नहीं रहा है कि अडानी रातों रात बदल कैसे गए, नरेंद्र मोदी की आलोचना कैसे करने लग गए। ये वही अडानी है जिनके साइलोज यानी विशाल गोदाम रातों रात हरियाणा और पंजाब में खड़े हो गए थे, और मोदी को यह तोहमत झेलनी पड़ी कि एक अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए वो कृषि कानून लेकर आए हैं। इसके खिलाफ किसानों ने 8 महीने से दिल्ली को घेर रखा है, लेकिन सरकार टस से मस होने को राजी नहीं है। आरोप लगता है कि इसके पीछे मोदी का अडानी प्रेम ही है। आपको याद हो तो संयुक्त किसान मोर्चा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपील की थी कि अडानी के बनाए हुए माल का बहिष्कार कीजिए, फॉर्च्यून ब्रांड के तेल, आटा, दालें, चावल वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिए। इसका बहुत बड़ा असर भी हुआ, लाखों लोगों ने अडानी के बनाए हुए सामान का बहिष्कार कर दिया। लेकिन मोदी का रुख नहीं बदला, तो क्यों नहीं बदला? और आज अगर अडानी का रुख बदल गया है तो क्यों बदल गया है? यह पहली बार है, और मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही नहीं, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही, कि अडानी ने उनकी सरकार की किसी भी तरह से कभी कोई आलोचना नहीं की, वो भी ऐसी खुली आलोचना, बाकायदा भाषणबाजी करके। इसका मतलब यह हुआ कि अडानी कोरोना पर मोदी को माफ करने को राजी नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी वजह चाहे जो हो, लेकिन सच यही है कि मोदी को यह आलोचना ना तो अच्छी लगी होगी और ना ही बर्दाश्त हुई होगी। तो क्या अडानी महसूस कर रहे हैं कि मोदी अब उतने ताकतवर नहीं बचे हैं, या फिर वो आने वाले दिनों में किसी बदलाव की आहट देख रहे हैं?
और वो किसी भी तरह से अपने आप के एक तरफा दिखने से बचना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो राहुल गांधी लगातार हमले बोलते रहे हैं कि मोदी दो चार कारोबारी दोस्तों के प्रधानमंत्री बचे हैं। वो साफ साफ अडानी और अंबानी की तरफ इशारा करते हैं। किसी भी कारोबारी के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। अंबानी के पास तो कांग्रेस के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चलने का खानदानी हुनर है, लेकिन अडानी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मोदी के निजी कारोबारी के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन ये क्या कि बाजार में खड़े होकर अपने दोस्त मोदी की आलोचना करने लगे, उनकी बखिया उधेड़ने लगे। बीजेपी वाले इस पर एक गाना इन दिनों बहुत चाव से गा रहे हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। नमस्कार।